अच्छा मैम, आप जिंदगी में कभी फंसी हैं किसी जगह परमीत सर के अलावा और किसी सिचुएशन में फंसी हो? तेरे प्यार में फंस गए कपूर। नॉर्मली ऐसा होता है, इंसान जिंदगी में ना बहुत बार फंस जाता है। हाँ। कभी प्यार मोहब्बत में फंस जाता है। हाँ। कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है। हाँ। कभी मोह में फंस जाता है। हाँ। और फिर उस मोह के चलते उसको सामने वाले को 6 साल तक जज बनाना पड़ता है। कई बार लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये पांडे तो हमारा होटल के कमरे में फंस गया था, बाहर पुलिस आ गई, खिड़की टाप के भागा ये। वो कमरे में आग लग गई थी। हर बार जरूरी नहीं आदमी गलत हो। कभी इंसान छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है, कभी बड़ी बड़ी चीजों में फंस जाता है। ऐसी एक बड़ी मजेदार फिल्म आ रही जिसका नाम है मिली, जिसमें एक लड़की कहीं फंस जाती है। आज हमारे बीच उसी फिल्म की लीड एक्टर और प्रोड्यूसर साहब मौजूद हैं। तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड जाह्नवी कपूर और साथ में प्रोड्यूसर साहब मिस्टर बोनी कपूर। Hi, Boney. How are you? जानवी, बोनी सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जानवी इतनी बड़ी स्टार हो गई है, आज हमारे शो पे पहली बार आई है। इनसे हम क्या गिला करें, बोनी साहब की भी बोनी आज ही हुई है, ये भी पहली बार आए हैं। जानवी, सबसे पहले तो आपकी अचीवमेंट्स के लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट यही लग रहा है कि आज मैं कपिल जी के शो पे आई। अरे बाप रे। पर कपिल की बोनी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में मेरी फिल्म से हुई थी, इट्स माय लाइफ से। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर हैं कि जब हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे, एक फिल्म का एक पार्ट था इट्स माय लाइफ का, तो उसमें मैं 20 दिन रुका था, मेरा काम 7 दिन का ही था, 13 दिन मैंने आपके खर्चे भी एंजॉय किया। वो मुझे पता था कि आगे जाके इतना बड़ा स्टार बनने वाला, तो तेरे को मैं पहले ही टेंपर कर रहा था। जानवी, आप इतनी बेहतरीन फिल्में कर रही हैं, आप स्टार हो गई हैं आप, लेकिन आज जब आप पापा के साथ जाती हैं, आपको स्टार वाली फीलिंग आती है कि लगता है कि पापा स्कूल छोड़ने आए हैं आपको? हमेशा लगता है पापा स्कूल छोड़ने आया, आज कपिल शर्मा जी के शो पे छोड़ने आए थे लेकिन अंदर ही आ गए अभी। नहीं, आज उल्टा है, ये मुझे स्कूल छोड़ने आई। अच्छा। अब मैं मॉनिटर करने आई हूँ कि कुछ उल्टा सीधा ना। बोनी सर, आप जाह्नवी के पिता भी हैं और फिल्म मिली के प्रोड्यूसर भी हैं, तो आज आप एज ए प्रोड्यूसर आए हैं या एज ए फादर आए, ताकि हम अपना मेन्यू उस हिसाब से पेश करें। आज मेरा डबल रोल है, आज डबल रोल है, डबल रोल है। वाओ, चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी बातें करेंगे, आइए जाह्नवी। एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी सर। एक मेरे पास टाइटल है, एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है रंग बिरंगी। अच्छा जी। उस पिक्चर का मुहूर्त मैं यहीं पे करूंगा क्योंकि ये इतना ये रंग बिरंगी, इतना रंग बिरंगा है। मैं तो कहता हूँ उस पिक्चर में लड़का भी यही है, ले लो आप। और जो सेट से रंग बच गया है वो अर्चना ने कपड़े में पूरी की। यही तेरा मौका है बोनी, आप मुझे भी ले ले इसके साथ। हाँ। जानबूझ के नहीं गया, वो पेंटिंग में गिर गई थी किसी की पेंटिंग। आप सब जानते हैं जाह्नवी ने 5 साल पहले धड़क फिल्म से अपना जो है डेब्यू किया था, क्या कमाल का काम किया था जाह्नवी आपने। थैंक यू, बहुत ही मजा आया आपको उस फिल्म में देख। कपिल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट डिड यू सी अभी बोनी ने क्या किया? क्या किया? वो जो पीछे मर्ज हो जाता है इनके बेस कोट के साथ, वो कुशन वहां रख दिया। देखो लुक एट हिज आई, असली स्टार तो ये है, मैं वही बोल रही हूँ आपको। जो पीछे डिटेलिंग होती है आपने ध्यान दिया होगा अभी तक। जाह्नवी, शुरुआत तो आपने धड़क से कर ली थी, उसके बाद भी आपने कई बेहतरीन फिल्में की, लेकिन हमारे शो पे आज पहली बार आप आई हैं। आप इंतजार कर रही थी कि पहले कपिल शर्मा कोई सीरियस फिल्म कर ले? नहीं सर, आप मुझे डेट ही नहीं दे रहे थे। हैं? हैं? ये दोस्तों, ये इन्होंने ऐसे ही बोल दिया यहाँ पे। नहीं, हालांकि हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे कि जाह्नवी जो है हमारे शो पे आए, हमें लोग लिखते रहते हैं जाह्नवी आपके शो पे क्यों नहीं आती है। मैंने कहा यार हमारी कभी खुद नहीं मुलाकात हुई अभी तक, पर जब भी आए, देर आए, दुरुस्त आए, बहुत नहीं, बहुत मैं आपको बताती हूँ, मैं जब गुंजन रिलीज हो रही थी तभी लॉकडाउन चल रहा था, तभी मैं नहीं आ पाई जी,
लेकिन हर फिल्म के रिलीज होने से पहले मेरा पहला जो प्रमोशनल आउटफिट मैं डिसाइड करके रखती हूँ वो यही डिसाइड करती हूँ कि कपिल जी के शो पे ये पहनूंगी, लेकिन वो कभी होता नहीं है। लेकिन ये साड़ी जो मैंने एक महीने पहले डिसाइड किया था वो आज पहनने का मौका मिला, तो बहुत खुश हूँ। शायद जानवी की जो लास्ट ट्रिप थी तिरुपति की, शायद इसी के लिए थी, मन्नत मांगने की थी। फाइनली मैं कपिल शर्मा के शो पे। सर लोग तरसते आपके साथ काम करने को। ये अच्छा, हमने सुना है कि जानवी को फिल्में शूट करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना बहुत पसंद है, फिल्में देखना बहुत पसंद है, प्रमोशन करना इतना पसंद नहीं है। आज आप अपने दिल से आई हैं कि पापा ने कहा बेटा चलो तुम्हारे बहाने मैं भी जाऊं, मैं भी नहीं कभी गया? नहीं, आज दिल से आई हूं। आज पापा के साथ भी एक आउटिंग हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इनके साथ भी वक्त नहीं गुजारा, तो आज इस मंच पे वक्त गुजारेंगे बाप बेटा। सर कुछ ही दिनों की बात है या सालों की बात कह लें, हम जब पिक्चर्स देखते थे आपकी, श्रीदेवी जी की, तो जानवी और खुशी दोनों छोटी छोटी हमें पिक्चर्स में दिखती थी। सडनली जब धड़क आई मैंने सोचा इतनी बड़ी हो गई जानवी। आपको लगता है बेटियां सच्ची में बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं? हाँ, बेटियां जल्दी बड़ी होती है, उस पर कोई शक नहीं है। मतलब मेरी जो पहली बेटी है वो भी ऐसे एक दिन मुझे लगा कि मेरे जितनी लंबी हो गई एक्चुअली अंशुला। तो खुशी भी पहले मैं उसको कुछ ही बोल रहा था, अभी कुछ ही बोल ही सकता है क्योंकि बड़ी हो गई है जी। तो ये लड़कियां जरूर जल्दी बड़ी होती हैं। तो बोनी सर का भी ये मानना है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि मेरी बेटी जल्दी बड़ी हो जाए मुझे भी आप हीरो ले लो किसी फिल्म में, उसके बाद तो फिर फादर वाले रोल मैंने करने ही है। सर जब जानवी ने आपसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है, आपको हैरानी हुई कि आप पहले से तैयार ही थे? मैं अंदर से तो तैयार था, हाँ, पर मेरी बीवी तैयार नहीं थी। अच्छा, उनको डर था, एक तो एक्टिंग कोर्स की बात कर रही थी, मतलब अलग जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले फरमाइश कर दी मैं लीज ट्रांसफर जाऊंगी एलए में। अच्छा, तो ये सुन के सबसे पहले ख्याल यह है कि एक तो 22 घंटे की फ्लाइट, दूसरा अकेली कैसे रहेगी, घर पे तो आगे पीछे लोग होते हैं, और इसको आदत ही सुबह उठते ही इसको मम्मा चाहिए, रात को सोने से पहले मम्मा चाहिए। अच्छा, मम्मा सर दबाएगी, मम्मा कहानी सुनाएगी तब ये सोएगी, सुबह उठते ही मामा दूध पिलाएगी तो ये उठेगी। अच्छा, मतलब ये इसका रूटीन था। तो माँ इसको फिक्र नहीं थी कि आगे जाके क्या होगा, माँ को फिक्र थी मेरे बिना ये कैसे उधर रहेगी। अच्छा, और उसको पता नहीं कि ठान ली थी मैं ये कैसा करूँगी। तो खैर ये साल भर रही एले में, एंड शी वाज हैप्पी, एंड आई टोल्ड माय वाइफ दैट इट्स बेटर दैट शी गोज देयर एंड शी गेट यूज्ड टू बीइंग इंडिपेंडेंट, एंड मतलब अपने आप सब कुछ कर लेगी। निकलते तो अपने आप सीख लेते हैं, सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेगी। हालांकि ज्यादा सीख के नहीं, कपड़े ऐसे ही इसके पड़े होते हैं बेडरूम में। कुछ नहीं सीखी मैं सर। बाथरूम में जो टूथपेस्ट भी मेरे को जाके बंद करनी पड़ती है कभी। अच्छा, पूरा भांडा थैंकफुली फ्लश खुद कर लेती है। इतना स्टार स्टार बोल के इंट्रोडक्शन दिया था, फ्लश पे आ गई है। नहीं पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनिल पूरे फैमिली का भांडा यहाँ खोल रहा। अनिल जब स्ट्रगल कर रहा था और एक्टिंग का शौक था, अक्सर ये होता था। अच्छा, उस जमाने में गीजर ऐसे होते थे, स्विच ऑन करो तो एक छोटा सा एक बल्ब भी होता था लाल रंग का, ये जो भी होता वो ऑन होता था, और छोटा सा गीजर होता था। तो जब वो नहाके निकलता था गीजर का बंद स्विच नहीं, बंद नहीं करता था। अच्छा, तो थोड़े घंटे भर के बाद हमको पता चलता था अनिल नहाके आया और गीजर उड़ गया। ओह माय गॉड। और अगर गीजर का प्रॉब्लम नहीं होता तो फ्लश का, बाथरूम में जाते ही पता चलता अनिल होके गया। उनको क्या होता है कि बाथरूम में जाके पहले तो उन्होंने अपनी तरफ 25 बार देखना है कि मैं ठीक लगा, बाकी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है ना, एक आदमी कितनी बार मैनेज करे कितनी चीजें। नहीं वो तो है। अब जो बाथरूम का रास्ता भी था ना हमारे पुराने घर चेंबूर में, तो वहाँ पे अलमारी थी। अच्छा, अच्छा जी। तो मुझे खड़ा करके उसने एक मार्क बना लिया था। हाँ। और हर महीने में अपना मार्क चेंज करते रहता, मैं इतना लंबा हुआ नहीं हुआ, हाँ, हुआ नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, और मेरे तक पहुंच नहीं पाया। और हुआ क्या, उस कपट में इतने स्क्रैचेस हो गए कि मेरी मार्क को कपट बदली करना पड़ा। अच्छा बोनी सर, आपने अनिल सर को लॉन्च किया वो 7 दिन में, संजय सर को लॉन्च किया प्रेम में, आपको किया इट्स माय लाइफ में, हाँ मेरे को भी किया, और मैं नाना पाटेकर साहब का नौकर का रोल किया मैंने उसमें। जानवी को 5 साल हो गए फिल्मों में, अब आपने जाके उसको प्रोड्यूस किया, आप क्या कोल्ड स्टोरेज का ठंडा होने का वेट कर रहे थे कि मिली बनाओ? नहीं देखिए क्या है कि मैंने अर्जुन जानवी दोनों को पहले मौका दिया कि बाहर काम करो, प्रूव योरसेल्फ, जब पक जाओ फिर मैं बनाऊंगा पिक्चर। क्या बात, रिस्क नहीं लेंगे ये। रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि खुद जाकर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो उसमें इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ जी, जैसे संजय के साथ मैंने किया था, तो होता है कि प्रोजेक्ट को नजर लग जाती है, एंड आई बिकम इंडल्जेंट, कुछ जरूर से ज्यादा खर्चा भी कर लेता हूँ, जरूर से ज्यादा कोशिश भी करता हूँ,
और जब भी आदमी जरूर से ज्यादा कोशिश करे या खर्चा करे तो मामला गड़बड़ी हो जाता है. तो मैंने इसलिए बैक सीट ली कि अर्जुन तैयार हो जाए फिर मैं उसका पिक्चर बनाऊं, जानवी तैयार हो जाए फिर उसके साथ पिक्चर बनाऊं. क्या बात है. दिस वाज अ सेल्फिश फादर एंड अ सेंसिबल प्रोड्यूसर. क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है. अच्छा, हमने जानवी जितने भी कपूर्स देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं. कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो या डाक विभाग में हो, कि सारे एक्टर्स ही हैं प्रोड्यूसर ही हैं? सर सर ये भी आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा तो मैं सीरियसली पता लगाऊंगा ये. पर एक्चुअली ये जन्मजात ही टैलेंटेड होते हैं सारे. अच्छा, आपके मम्मा साउथ से थी, पापा पंजाबी हैं, तो घर में खाना कौन सा बनता था फिर? दोनों. लेकिन मम्मा ने आज पापा को कन्वर्ट कर दिया था, इनको भी साउथ खाने का ज्यादा शौक है अभी. क्या बात कर सर, मोहब्बत कैसी चीज है ना, पराठे से इडली पे शिफ्ट हो गया. जुड़ने तो मुश्किल होता है सर. पर पराठे का साथ छोड़ना नहीं है मैंने. अच्छा, इडली भी खाऊंगा पर उसके बाद पराठे फिर खाऊंगा. कभी कभी दोनों साथ में भी खा लेते हैं. वो तो दिख रहा है. बोनी सर, जानवी एज एन एक्टर आपके साथ पहली फिल्म कर रही है, तो एज ए डॉटर आपकी नाक में दम ज्यादा करती है कि एज ए एक्टर? गिव एन ऑनेस्ट आंसर क्योंकि मुझे भी जानना है. नहीं, नाक में दम बिल्कुल नहीं करती है. आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे चारों बच्चे, किसी ने मेरे नाक में दम नहीं किया. और ये तो बिल्कुल साइलेंट बच्ची थी, बस मेरे को याद भी नहीं कभी रोई है ये. अच्छा जी. ना ही मुझे याद है कि अर्जुन कभी रोया है. पर कभी तो डांटा होगा जानवी को. हाँ, एक बार डांटा था जब इसने, हम लोग आई थिंक न्यूयॉर्क में थे, तो ऑर्डर कर रही थी, I'll have soup with no oil or I'll have grilled fish but no butter please. तो इनके अंदर के पंजाबी को बहुत मतलब दिल पे चोट आ गई बटर के बिना. दैट इज द ओनली टाइम, सिर्फ तभी इन्होंने मुझ पे चलाया. मक्खन हमें अच्छा लगता है, फिश को थोड़ी अच्छा लगता है सर. पर इन्हीं के पेट में जाना था ना मक्खन. आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी हम ट्रैवल करते थे और करते हैं, एक सूटकेस में हरी मिर्च, गरम मसाला, थेपला, खाकरा और क्या क्या. लवली, एक बार बेचारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था रामू को. एक घंटे का क्वेश्चनिंग किया था उसके साथ कि क्यों इतना यहाँ अमेरिका में आम मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, हरी मिर्च ही मिलती है. लेकिन पापा का एक कुछ जस्टिफिकेशन था कि इंडिया में जो हरी मिर्च मिलती है वो सबसे तीखी होती है. तो आपके पापा तो मिर्ची लेके जा रहे थे, ये सूटकेस में मुर्गा रख के ले गई. वो तो आप हुई है, मतलब पहले की बात. किसने रखा होगा? मैंने पहले की बात बेचने के लिए. हो सकता है. अच्छा, फैक्ट है, मैं जब हम बाहर जब पहले छुट्टियों में जाते, ये भी एक बात बताता हूँ कि बच्चों को नाश्ता मैं ही बना के देता था. एंड उस जमाने में ये था कि जानवी और खुशी दोनों इंसिस्ट करते थे, पापा यू विल मेक द स्क्रैम्बल एग, यू विल डू दिस, यू विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस, जो फ्रेंच टोस्ट हो ये हो. तो मैं कुछ ना कुछ करके बच्चे खुश हो जाए जो भी मैं बना देता. पता नहीं पापा का प्यार उसके अंदर डालता था या वाकई में अच्छा बना. बटर डालते थे आप बहुत. जानवी, बोनी सर का एक्सपीरियंस बहुत है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, उनको समझ है स्क्रिप्ट्स की, है जो भी कह लें आप. आप जब कोई फिल्म साइन करती हैं, इस फिल्म से पहले जितनी भी आपने फिल्में की, आप पापा से एडवाइस लेती हैं कभी? 100% लेती हूँ. और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोग इनको कॉल करके इनसे एडवाइस लेते हैं. और ये इनका फेवरेट पास टाइम है. 12 बजे के बाद हमारे घर पे एक सोफा है और वो सोफा ना उनका तख्त हो गया है. और वो सोफे में एक यहाँ इट्स बिकम लाइक एक डिप आ गया है. क्योंकि वो उसी जगह पे बैठते हैं, तो 12 बजे के बाद वो उनका अड्डा बन जाता है. और ऐसे नहीं कि एक हाथ में एक फोन है, दो दो फोन और दो दो अलग अलग लोगों को कुछ अलग एडवाइस दे रहे हैं. तो जब भी इनको फुर्सत मिलती है तो मैं भी एडवाइस मांग लेती हूँ. बोनी सर, आप खुद इतने मजेदार, आपकी टाइमिंग इतनी मजेदार है, इतने सारे आपने स्टार्स बनाए, आपका खुद का नहीं कभी मन किया कि मैं भी एक्टर बन जाऊं? अभी कर रहा हूं मैं एक्टिंग, अभी लव रंजन की पिक्चर में. अच्छा जी. आई एम प्लेइंग रणबीरस फादर, डिंपल इज प्लेइंग माय वाइफ, श्रद्धा इज रणबीरस गर्लफ्रेंड एंड लव रंजन इज द डायरेक्टर एंड आई हैव हैड अ फैंटास्टिक टाइम ऑन सेट. वाह, मतलब मजा आया काम करके. 40-50 दिन मैंने शूटिंग की, पता नहीं कितना रोल रहेगा पिक्चर में बट. बोनी पहले भी तो किया ना तुमने? हाँ, पहले भी एक ही वर्सेस. शायद वही देख के लव इंस्पायर हुआ था, या बोलता तो मुझे बोनी तेरी पर्सनालिटी देख के मैंने ये रोल लिखा है. मेरी पर्सनालिटी में क्या बात है मुझे समझ नहीं आती. इतना मॉडर्न पापा. बाद में पता चले आधा शेड्यूल खत्म हो फिर आपको बोनी साहब थोड़ा सा फंड मिलेगा. नहीं, ऐसी नौबत अब तक तो है नहीं. ही इज वेल इक्विप्ड.
भाई चार पांच लगातार उसने हिट पे हिट सुपरहिट बनाई है. No, but you were fabulous in AK versus AK. Ah, well, thank you. I think better than Anil also. देख अभी अनिल चाचू को मत बोल. अभी ये बोलेगा अनिल अगली बार आएगा तो ये क्लिप दिखाएगा कपिल मेरे बीच झगड़ा कराएगा अनिल का. आप किससे डर रही हैं आज तक? बाहर सिद्धू साहब आग खड़े हैं उनसे तो डरी नहीं आप कभी. ये तो मैंने सिर्फ डराया है लोगों को. मैं डरी नहीं, मैंने डराया. बिल्कुल बिल्कुल. उस दिन पार्टी में परमीत सर आए थे बेचारे डरे डरे. मैं आप कुछ लेंगे नहीं पहले अर्चना ले ले. इतना डरा के रखती है ये. अच्छा बहन भाइयों के बीच हम लोग बड़ी छोटी छोटी खुशियां जो शेयर करते हैं. आपकी खुशी तो वैसे भी छोटी है आपसे. हाँ, हाँ. कभी ऐसा हुआ कि आपकी ड्रेस पहन के खुशी निकल गई? आपने सोचा रही है उल्टा 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 है ये खुशी की ड्रेस पहन के निकलती है. हाँ, हमेशा बिना पूछे और फिर बहुत झगड़े होते थे. अभी इतना नहीं झगड़ती है मेरे साथ. बड़े होके फिर समझदार हो जाते हैं बच्चे. समझदार हो जाते हैं. और आजकल ना फ्री में हम दोनों को बहुत ज्यादा कपड़े मिलते हैं तो फिर कितनी ऑनेस्ट है. देखो आती है जानवी ये बिना फिल्टर के जो बोलने वाले हैं ना बहुत कम है दुनिया में. एंड दिस इज टू गुड. थैंक यू. आई स्वेयर रियली. जानवी ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए. जी लोग जानना चाहते हैं इसलिए उन्होंने मुझे लिख के दिए कि आप दोनों में से ज्यादा खर्चीला कौन है? पापा. ये तो हम जानते हैं सर. हमें आज भी याद है जब आपने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी. उस समय हम न्यूज में पढ़ते थे कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी. आपको पता सतीश कौशिक साहब जब भी आते हैं बड़े मजे ले ले किससे सुनाते हैं. कहते मैं तो इतना टेंशन में आ गया था मैंने मरने की कोशिश की खिड़की नहीं खुली. कहते मैंने कहा अच्छा हुआ खिड़की नहीं खुली नहीं तो आप तो फंस जाते. नहीं 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 आपको किस्सा पूरा सुनाता हूँ. अच्छा जी. मतलब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे. हैदराबाद का प्रीमियर था. अच्छा जी. थॉट बिगैन फ्रॉम माय हाउस. अच्छा जी. तो मेरी गाड़ी में सतीश आगे बैठा था श्री मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी. जब मेरी श्री से शादी नहीं हुई थी. अच्छा जी. बट किस्मत मेरी थी कि मेरे साथ बैठी हुई थी. अच्छा जी. तो खैर श्री ने मेरे से पूछा हाउ इज द फिल्म डूइंग. तो मैं चुप रहा. तो सतीश ने पूछा हाँ वो नहीं क्या मतलब पिक्चर? क्योंकि उन दिनों में पिक्चर थर्सडे को लग जाती थी यूपी में और कुछ सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में. जी. तो मैंने विद द ब्लैंक फेस बोला फिल्म इज फ्लॉप्ड. इट हैज बीन रिजेक्टेड. आगे मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट विंडस्कील के था उसका सर लगे. वो रोने लग गया. तुमने सतीश हौसला रख आगे अपनी दूसरी भी पिक्चर रहेगी. आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे पहले गुस्सा बहुत कम आता. बहुत कम स्कूल के दिनों में आता था. अच्छा जी. बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं. मुझे आदत है मेरे घर पे दही मेरे लिए अलग बनता है. अच्छा जी. और अलग कटोरी में या कटोरी में दही बनेगा उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए. अच्छा. बिल्कुल क्लियर सपाट होना चाहिए. हाँ. जो जिसमें दही जमा हो. अच्छा जी. तो मैं इंटर में था कॉलेज जाने के पहले शगुन होते ना दही खा लो या शक्कर. हाँ. खा लो या कुछ ऐसे. हाँ. शगुन होता है. तो मेरे घर पे उस रोज मम्मी शायद पहले निकल के बोल के गई थी मेरे घर के सर्वेंट को कि भैया ये दही चका देना बोनी को बिफोर ही लीव फॉर हिज एग्जाम्स. तो वो दही की कटोरी जो लाया उसमें क्रैक थे और ऊपर पानी जैसा आ गया था. अच्छा. दही जब क्रैक होता पूरा जमा नहीं होता थोड़ा पानी भी. आई फ्लंग दिस थिंग. आई एम नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम. क्योंकि दही में क्रैक. ये कुछ नहीं है. कुछ ही साल पहले की बात है. मामा कोशिश कर रही थी कि इनको वॉक्स पे लेके जाए ताकि इनका थोड़ा बटर जो है कम हो. लेकिन और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे. एक दिन मुश्किल से वो नीचे उतर गए. शूज पहनने के. और शूज पहन रहे थे और पापा को थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मा उनका लेस बांधती थी. एक घंटे के लिए ये जूते से टाइट है. नहीं अभी ये थोड़ा लूज है. नहीं इसका ये थोड़ा लंबा हो गया इसको वापस. एक घंटे के लिए. फिर मामा ने कहा छोड़ो नहीं नहीं चलो. और ये बात है परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए. झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगते हैं. ठीक है हमारा झगड़ा दुनिया क्यों देखे. दुनिया नहीं मेरे को परफेक्शन की जो बात करना. लेकिन झगड़े के मैं रो रही हूँ. एक सेकंड कर्टन का लाइन सीधा होना चाहिए. क्या क्या बोलते हैं उसको जो बीमारी होती है ना ओसीडी. हाँ ओसीडी. आई एम अ मेजर. साबुन भी ठीक होना चाहिए. साबुन के नीचे पानी नहीं होना चाहिए. टॉवल सही होना चाहिए. अब जैसे इसके कमरे में जब सुबह जाता हूँ मेरे को कोफ्त होती है. कपड़े बिखरे होते हैं. टूथपेस्ट खुला होता है. ये सब चीजें होती है. एंड
I get totally put off by all these things. Wow. आप मेरे घर पे हो, मेरे बेडरूम में हो, मेरे ड्रेसिंग रूम में हो, हर चीज हैंगर, मैं हैंगर भी स्पेशल ऑर्डर किए हुए. अच्छा? तो भैया सब हैंगर यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए. अच्छा. तो जूते का भी रैक ऐसे होना चाहिए कि मेरे को खोल के देखना ही पड़े. क्या बात है पापा. वाओ. कि भैया सब हो और चमकते रहे जूते. एक बार मैं अपनी यही प्रॉब्लम इनसे शेयर कर रहा था. मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. मुझे तो ऐसा लगता है दो जूते रखे और एक है ना, तो मेरे का ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर. अच्छा. और फिर उसको ऐसे करके पूरा ये आगे पीछे बराबर होने चाहिए. हाँ. तो गिन्नी मेरी वाइफ मुझे बोलती है ना, तुम सठिया गए हो तुम अभी से, ये सब कौन करता है. हाँ. फिर मेरी बेटी हुई घर पे. हाँ. अभी अमेरिका एक महीना रह के आया ना जब, तो वापिस आई तो मैं कहा भाग के आएगी मिलने, तो उसने अपनी चप्पल उतारी, उसको ठीक करने लग गई. मैं कहा अब बता, अब बच्चों को क्या बोलेगी. सो ऐसा होता है. तो ये डेंजरस चीज थोड़ी सर, ये तो अच्छी चीज है. अच्छी चीज है. अच्छा, आप दोनों में से सुपरस्टिशियस कौन है? मैं बहुत सुपरस्टिशियस. मैं बिल्कुल नहीं हूं. मैं बहुत हूँ. मतलब हर अभी ये स्टेज एंटर करने से पहले भी मैंने राइट पाँव से कदम पहले रखा. और हर बड़े पापा के बर्थडे पे, मम्मा के बर्थडे पे, न्यू ईयर पे मुझे तिरुपति चढ़ के जाना है. थर्सडे को वेज रहूंगी. ये सब मेरा होते ये तो अच्छी चीज है. पॉजिटिविटी आती है इन चीजों से, तो अच्छी बात है. अच्छा, खाने को लेकर नखरे किसके ज्यादा होते हैं? पापा के. नखरे नहीं होते. नखरे नहीं होते. उनके हिसाब से नखरे हैं. मेरे हिसाब से खाना अच्छा होना चाहिए. देखो आदमी काम क्यों करता है? खाने के लिए. अच्छे खाने के लिए. खाने के लिए बेस जी. और खाना अच्छा नहीं हो तो फायदा है क्या खाना खा के? आई एग्री विद यू सर. पार्टियों वार्टियों को कौन ज्यादा शौकीन है? हम देख रहे थे इस बार सारी दिवाली पार्टियों पे आपके जलवे आप जा रहे थे. लेकिन इस बार मैं सिर्फ 5-5 मिनट के लिए गई. क्यों? क्योंकि मिली नाम की एक फिल्म आ रही है, इसके प्रमोशन में थोड़ी बिजी हूँ आजकल. प्रमोशन कर दिया. स्मार्ट गर्ल. जब तक फ्री थी मुझे पार्टी पे जाने का शौक था. अच्छा जी. क्योंकि आई यूज्ड टू फील प्राउड वॉकिंग इन विद हर, बिकॉज़ आई न्यू द मिनट वी एंटर अ पार्टी एवरीबॉडी यूज्ड टू टर्न अराउंड एंड हैव. मुझे ऐसा लगता है मुझे भी लोग देख रहे हैं. देखते उनको ही स्वीट. और मुझे लगता है मुझे भी इसी बहाने मुझे देख रहे हैं. बिकॉज़ शी ऑलवेज यूज्ड टू होल्ड माय हैंड एंड आई यूज्ड टू होल्ड हर हैंड. सो I used to enjoy those moments. So, जब से वो गई है तो पार्टी जाने का मतलब होता है ना कि it's not, it doesn't give me the same happiness or same vibe. जहाँ पे जरूरी होता है जाना. अब जैसे इस दिवाली पे मैं कहीं नहीं गया क्योंकि दिवाली पे सब अपने हस्बैंड वाइफ के साथ है, सब ये, तो मैं अकेला जाके क्या करूँगा. और श्रीदेवी जी को तो पूरी दुनिया इतना मिस करती है. आपकी तो लाइफ पार्टनर थी वो. और पर यही जिंदगी है सर. जानवी, एक बात आपसे पूछनी है. जैसे आपने धड़क में एक राजस्थानी लड़की का रोल प्ले किया, एक छोटे शहर की लड़की का, इसमें बिल्कुल ही अलग है कि जाके आप कहीं फंस जाती. कभी ऐसे बचपने में या इस रोल के लिए ही भले ही आपने कभी फ्रिज खोल के उसमें बैठ के ट्राई किया है कभी? नहीं, वो बचपन में करने की वजह ही नहीं पड़ी क्योंकि इस फिल्म के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज एक्चुअल में बना रहे हैं. अच्छा. तो उन्होंने रियली एक कोल्ड स्टोरेज बना के रखा था जो कि हर वक्त -15 से -18 डिग्रीज रहता था. तो ये सब ओरिजिनल कोल्ड स्टोरेज में हुआ है? 20 दिन के लिए हर रोज 13 से 15 घंटा मैं इस कोल्ड स्टोरेज में बिताती थी. और एक्चुअली 9 दिन का शूट था लेकिन मेरे डायरेक्टर 2 बार बीमार पड़ गए. मैं 1 बार बहुत बीमार पड़ गई थी. वो हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे और फिर उसके ऊपर मंकी कैप पहने थे और उसके ऊपर बीमार भी थे. हम उन्होंने आधी से ज़्यादा फिल्म साउंड्स में डायरेक्ट किया है. तो मतलब अच्छा टेक मतलब आ आ आ, बुरा टेक मतलब और ठीक है लेकिन बेटर हो सकता है ऐसे लग रही होगी ना. और एक ही इंस्ट्रक्शन था हर टेक में क्योंकि हम 15-15 मिनट के टेक्स रन करते थे और वो माइक में रहते थे और बोलते रहते शिवरिंग मोर कभी कभी मेरी हंसी निकल जाती थी क्योंकि मैं यहाँ इमोशनल सीन कर रही हूँ, रो रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं मरने वाली हूँ और बैकग्राउंड में शिवरिंग मोर शिवरिंग. पता है श्रीदेवी जी की जो झलक है बिल्कुल. अब जैसे हम लोग देखते थे उनकी फिल्मों में कि जो रजनीकांत साहब के साथ उनकी फिल्म थी चालबाज, उफ, तो वो जो टाइमिंग वो आप में ऐसा दिख रहा है हमें. मैं ना 2 बार श्रीदेवी जी से मिला हूँ. दोनों बार मैरियट में मिला. एक बार तो कहीं जिम कर रही थी वो, एक बार वो नाश्ता डिनर कर रही थी और मैं उनके साथ थी. अच्छा, आप तब भी आप छोटी थी शायद. आज आई थिंक वो 8 साल पहले की बात होगी. साथ में यश चोपड़ा जी की वाइफ थी और मैं उनको देख के ऐसे हो गया. मैं कहा ओ श्रीदेवी जी, और वो ऐसे करने लगी जैसे मैं श्रीदेवी हूँ और वो एक आम इंसान है. पर जब पर्दे पे आती थी तो वाह. पर आप बहुत ही टैलेंटेड है जानवी. एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू.
Hello. Hello, Boney sir. Hello, आप लोग पहली बार शो में आए, इतना अच्छा लगा. It's just so nice to have. Actually, आप पहली बार आए, इतना अच्छा लग रहा है. अच्छा, ये रोज आती फिर भी नहीं अच्छा लगता है, नहीं आइडिया. अरे तुम्हें तो मैं कब का छोड़ दी थी, लेकिन मेरे प्यार ने ना मुझे रोक के रखा है यहाँ. प्यार नहीं, परिवार की वजह से रुकी हुई है सर. ये पूरा परिवार 7 महीने से इधर पड़ा हुआ है. माँ बाप ने 25 साल इसको पाला, अब बोलते बेटी तेरी बारी. इसने मेरी जिम्मेदारी लगा दी आगे. हाँ तो क्या, मेरे माँ बाप बेचारे कुछ नहीं बोलते. तुम जहाँ बोलते हो वो लोग वहाँ रह जाते हैं, जो तुम खिलाते हो वो खा लेते, कुछ नहीं बोलते. पहले भी तो प्रोसेस सेम ही था उनका. जहाँ जगह मिलती थी सो जाते थे, जो मिलता था खा लेते थे. अब तो कम से कम ऊपर छत भी है. पहली बार सर मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाया उनके पिताजी को. हाँ सीरियसली, डाइनिंग टेबल देख के बेटा, अरे बेटा इसमें खाना खा के टाइम की वेस्ट कर रहे हो, गद्दे लगाओ, 4 लोग सो सकते क्या था. ऐसे काम करते हैं ये लोग. नहीं जानवी, झूठ बोल रहे. मेरे पापा ना एक बहुत बड़े वैद हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते. वैद नहीं, वो आदमी अवैध है, मैं आपको बताऊं. मिस्टर इंडिया में घड़ी पहन के गायब होते ना. हाँ. इसके पिताजी पहले घड़ी गायब करते हैं, फिर खुद गायब हो जाते हैं. इतने टैलेंटेड हैं भाई साहब. सर आप इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये है ही ऐसे. वैसे कमिंग बैक जानवी, मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा एंड ओ माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट जॉब यू हैव डन. वैसे बचपन में एक बार पता है मैं भी अलमारी में अटक गई थी. अच्छा. और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए मेरे परिवार. सारी बात बताओ, सारी बात. अटकने गई थी, ये रहते ही वहां थे सारा परिवार. अलमारी में रहते थे. एक इसका छोटा भाई, वो लॉकर में रहता था. एक दिन अलमारी से बाहर आ गई, सारा परिवार परेशान हो गया. हवेली से लड़की गई तो गई कहां. आप करने के आए मोहतरमा यहाँ पे. वैसे मैं सर से मिलने आई हूँ. सर आपकी सुपर डुपर हिट फिल्म मिस्टर इंडिया, उसमें से सर एक सरप्राइज है आज आपके लिए. अच्छा क्या है. यस सर, सरप्राइज. ओह माय गॉड, दिस इज है मोगैम्बो. लोहा से टकराओगे जीजा तो यही हाल होगा. ये मोगैम्बो के चूसा हुआ मैंगो है क्या ये. अच्छा तो लग रहा है. अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रॉयल फैमिली का चूहा अस्पताल से छुट्टी मिल गई. ये देखो मोगैम्बो खुश हुआ. ओए इसे खुश होने वाली क्या बात है, चूहा बोला है उसने तुम्हें. अरे तो रॉयल फैमिली भी तो बोला है क्या. दीदी हर बार नेगेटिव बातें ही देखती हो, कभी तो पॉजिटिव देख लिया करो. वैसे मैं सर इंट्रोड्यूस करवा देती, ये मेरा छोटा भाई है जो लॉकर में था. हाँ राइट. गोली, अब इसको देखिए. देख लिया उन्होंने, अब किसी डॉक्टर को दिखाओ जाओ. जीजा. हाँ. मोगैम्बो खुश नहीं हुआ, मैं साहेला छोड़ दूंगा. पहले तो बच्चों की बोतल में दूध पीना छोड़ दे. नहीं नहीं, ये तो सर ये जीजा साले की नोकझोंक चलती रहती है. एक्चुअली अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में ना ये मोगैम्बो बना है. तो बनने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल चला जाता ना अच्छा लगता. पहाड़ी लोमड़ा लगता है ये. क्या बोले जा रहे भाई, ये ना मेरा. तुम लोमड़ी जैसी दिखती हो इसलिए वो मुझे लोमड़ा बोल रहा है. एक तो मैं बोनी सर से तुम्हारी बात कर रही हूँ. दीदी आप ही बोनी सर से बात कर रही हो, वो तो नहीं कर रहा है आपसे. जीजा बोनी सर से बोल के एक आध फिल्म लॉन्च करवा दो ना. उनके डस्टबिन में फेंकवाऊं तुम्हें मैं. सर आपने मिली बनाई ना. कभी बिल्ली बनाओ ना, उसके बच्चे का रोल बड़ा अच्छा करेगा ये. बिल्ली का बच्चा करके दिखाना, बड़ा सांप को ऑडिशन दे. देखा, आप बस आशीर्वाद दीजिए. अबे चैत्रा उनके पास छुट्टे नहीं है. ये 10 रुपए को आशीर्वाद बोलता है सर जी. ये पूरी फैमिली ऐसी है. इसका बाप उस दिन ना, शर्म आती मेरे को बताते, 5 रुपए का धनिया लेने के लिए ना सब्जी वाले के सामने इसकी मम्मी की साड़ी पहन के आधा घंटा नाचता रहा. तो क्या बोले. और उस दिन बाद में इसकी असली मम्मी निकली सब्जी वाला देख के, शर्माई जाए कहते. जा यार खबरदार कुछ मत बोलो मेरे भाई के बारे में, बस बहुत हो गया. कोई बात नहीं दीदी, आज रात 3 बार डिनर करूंगा मैं और उसका बदला चुकाऊंगा. जब देखो देखो डिनर की पड़ी रहती है. ओ दीदी मुझे बस डिनर की नहीं पड़ी रहती. जीजा कहाँ बीवी मानता है. हाँ जीजा तो मैं वैसे भी अपनी बीवी नहीं मान रहा. हाँ, एक तो अपनी लाइनें याद रखो, ऊपर से इनकी भी रखो. ये कंटिन्यू कीजिए, मैं आपसे बाहर मिलती हूँ. इसकी जुबान पे ना लगाम लगानी पड़ेगी. चल. अरे दीदी वो आपसे यहाँ बात नहीं कर रहे, बाहर क्या करेंगे. बिल्ली के बच्चे चल अंदर. वो जब से अकेले
अच्छा बोनी सर, जानवी को तो हम अगली फिल्म में फिर घेर लेंगे। बोनी सर आज हमारे हाथ लगे हैं, सर आप आए हैं तो मिस्टर इंडिया का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने समय में बहुत एडवांस फिल्म थी और लोगों ने इतना प्यार दिया, और बड़ी बात है सर उस समय VFX इतना था नहीं, तो हम जानना चाहते हैं, एक तो आपके किस्सा सुनाने की टाइमिंग बड़ी मजेदार है, उस समय सर कितनी मुश्किलें आई होंगी आपको मिस्टर इंडिया बनाते हुए? सी पहली बात तो मैं बताऊं, मिस्टर इंडिया में कोई भी शॉट हमने पोस्ट पे नहीं किए। अच्छा जी। एवरीथिंग वाज शॉट इन कैमरा। वाओ। तो वी हैड अ टीम, अरुण पाटिल वाज हेडिंग दैट टीम, एंड द एंटायर वी हैड अ मेजर R&D, पूरा जो हनुमान सीक्वेंस आपने देखा है, बंदूक लेके जो मिस्टर इंडिया आता है पूरा, एवरीथिंग वाज डन मैन्युअली ऑन सेट इन कैमरा। वाह। Nothing was done in post because उस जमाने में post जो हमारे यहाँ पे था, pardon my being so blunt, it was horrible. तो इसमें एक challenge हमने ले लिया था, we shot the film for about 380 days. Really? 380 days. Wow. जिसमें जो गाना था ना काटे नहीं कटते, this we shot for almost 21 days. There were 3 sets put up. पर इतना मुश्किल क्यों था सर उसको, मतलब उसके पीछे क्या कहानी है? See देखिए जो काटे नहीं कटते गाना था, उसमें एक तो हमने सेट का पूरा मॉडल बनाया था। जी। जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो गाना मिस्टर इंडिया का था, श्री का। जी। अनिल बोला मेरे को भी होना चाहिए गाने में, इतना हिट गाना और मैं नहीं हूँ। लास्ट मिनट हमने फिर वो एक वो अंदर ग्लास हाउस बनाया जिसमें हमने लाल शीशे भी लगाए थे। अच्छा। तो क्लेवरली हमको दिखा रहा था अनिल गाना गा रहे हैं। तो अनिल वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द सॉन्ग। इंडल्जेंट ब्रदर हां बोनी। नहीं बट आई एग्रीड विद हिम, आई मीन फाइनली इट वाज आवर फिल्म एंड अनिल इज माय ब्रदर एंड इट वर्कड बॉस, इट वर्कड। एंड देन द सेम ग्लास हाउस वी कंस्ट्रक्टेड ऑन अनदर फ्लोर आल्सो। क्यों? सो दैट द लाइटिंग इज परफेक्ट, वी गेट अ प्रॉपर कैमरा मूवमेंट, क्योंकि बड़े सेट में इतनी मूवमेंट नहीं मिल रही थी। अच्छा। अच्छा प्लस अगर आपको याद हो कि ऊपर एक हाइट पे एक हैशटैग भी था जहां पे, तो दैट आल्सो वाज पुट सेपरेटली एंड फॉर द फर्स्ट टाइम विंड मशीन वॉज यूज्ड। अच्छा। जो हेलीकॉप्टर या प्लेन के प्रोपेलर होते हैं, टर्बो। जी। हाँ, टर्बो, हाँ। टर्बो। वो दूर पे रहते हैं ताकि वो हे बराबर उड़े, एंड दैट साड़ी आल्सो शुड, एंड देयर इज नॉट अ स्लाइट काइंड ऑफ अ स्किन शो, देयर वाज नथिंग, इट वाज जस्ट हर मूवमेंट व्हिच मेड द सॉन्ग सेंसियस, व्हिच मेड द एंटायर फील द वे इट वाज शॉट, एंड दैट इज द रीजन द लाइटिंग यूज्ड टू टेक टाइम, ऑल दीज प्रॉप्स यूज्ड टू टेक टाइम, टू सेट अप द शॉट इट यूज्ड टू टेक टाइम, and Mama these sets also, no? And yeah, in between Shree fell sick, she shot for about 2 or 3 days with 103-104 temperature. Achha, my god. So isliye hawa hawai gaane ko 12 din lage the. Achha ji. To usme bhi Shree ke 3 changes the, plus I, you know, there was a typical moment of the finale of the song jo shaker ne bola top shot hona chahiye, camera upar leke jao. To un dino mein upar le jana matlab musibat hoti, tarape pe camera hai. So there were several such things, abhi jaise उसमें एक हंगर सीन था जहाँ पे खाना खाने को बैठे और खाने में कंकर है। अच्छा। तो टेबल को वायर के साथ बाहर ले जाना नीडेड प्रॉपर लाइटिंग, वो टेबल को लटकाया था हमने वायर के साथ, एंड द वायर हैड टू बी लिट के दिखाई नहीं दे, तो लिटरली लगना चाहिए कि हवा में टेबल चल रही है और मिस्टर इंडिया लेके जा रहे हैं। अच्छा एक दूसरे सीक्रेट में बताता हूँ, उस सीन का जो लास्ट शॉट है ना जो मिस्टर इंडिया गरीबों में खाना बांटता है और चल के जाता है, अनिल की डेट थी नहीं, तो लास्ट शॉट जो है संजय कपूर चलाता। अच्छा। तो कई ऐसी चीजें हैं। अच्छा रिगिंग भी ऐसे करते हैं, जैसे मिस्टर इंडिया जो एंट्री थी, इफ यू रिकॉल, हवा वे गाने के पहले चल के आते हैं, तो हमने सेट ऐसा लगाया था कि भाई थोड़ा हाइट पे था प्लेटफॉर्म पे, और नीचे से कोई फुटमार्क खींचता था तो एक कदम, दूसरा खींचता दूसरा कदम, तीसरा खींचा, तो 4 लोग नीचे होते थे जो फुटप्रिंट को खींचते रहते थे, तो ऐसा लगता था मिस्टर इंडिया चल के आ रहे हैं। पर वर्थ था, जितनी मेहनत लगी उस फिल्म पे आज तक हमारे जहन में बसी हुई है। वाह सर क्या बात है यार। जो घर भी था ना वो पूरा मैंने वर्षों में सेट लगाया था, एंड देयर हैड मेड मेकअप रूम्स। अच्छा उन दिनों मोबाइल आई नहीं थे, तो मैंने ऑफिस लगाया था, एक टेलीफोन लाइन लगाई थी। अच्छा क्योंकि पिक्चर में 10-12 बच्चे थे, हर बच्चे के साथ 3 लोग आते थे, तो वी हैड एट एनी गिवन टाइम अबाउट 200 to 250 पीपल ऑन द सेट, 100-150 पीपल क्रू एंड 100 पीपल विद द किड्स। अच्छा उनके लिए मैंने टीचर्स हायर की थी क्योंकि दे वर समटाइम मिसिंग द स्कूल, तो डिफरेंट क्लासेस अच्छा। की टीचर को मैं बुलाता था ताकि बच्चों के एजुकेशन में फर्क न पड़े। क्या बात है यार। इन सब चीजों का बजट इमेजिन करके मुझे चक्कर आ रहा है। आई स्टार्टेड दिस पिक्चर मिस्टर इंडिया, आई हैड अनिल एंड श्री के साथ, तो मैंने कई किस्से सुनाए हैं कि उसकी माँ ने मेरे से 10 लाख मांगे, मैंने उसको 11 लाख ऑफर कर दिए थे। अच्छा जी। सर प्लीज सुना दीजिए, प्लीज। किस्सा यूं है कि श्री वाज द टॉप स्टार, एंड जोशीले जब कास्टिंग उसकी चल रही थी तो श्री वाज कास्टेड ऑपोजिट सनी,
और मेरे अंदर ये था कि यार मेरे भाई के साथ भी टॉप हीरो होनी चाहिए। अच्छा। तो आई मेट श्री इन बॉम्बे। अच्छा जी। एंड शी सेड माय मम्मी विल टॉक एज यूजुअल। ये आपकी पहली मुलाकात थी? पहली मुलाकात थी रुया पार्क में, एक बंगला था वहां पे शूटिंग कर रही थी। तो खैर मैंने कहा कि मम्मी को मिलने आता हूँ मैं चेन्नई पहुंच गया मम्मी को मिलने के लिए। तो मम्मी के पास गया, बैठा, बातचीत शुरू हुई। अच्छा, उनको ना हिंदी पूरी आती थी ना अंग्रेजी पूरी आती थी, बट कम्युनिकेशन स्किल मेरा इतना परफेक्ट था कि मैं उनके इशारे समझ जाता था। तो शी सेड पप्पी प्राइस 10 रुपीज। 10 रुपीज का मतलब 10 लाख। अच्छा। तो मैं यहाँ से पूरा तहकीकात करके गया था, भैया आखिरी पिक्चर श्री ने कितने में साइन की है? अच्छा। उस जमाने में आखिरी पिक्चर श्री ने साइन की थी 8.5 लाख रुपए की। अच्छा। तो मैंने कहा 8.5 में साइन की है मेरे से, मैं 9 दे दूंगा। जब उसने मेरे को बोला 10 रुपीज, आई सेड नो। तो 10 सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गई। तो मैंने आई विल पे 11। उसके बाद 15 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। स्टाफ मनी सेपरेट है 30,000 रुपीज। आई सेड नो, आई विल पे 50,000। एंड द स्टाफ शुड स्टे वेरी क्लोज टू पप्पी होटल। आई सेड नो, दे विल स्टे इन द सेम होटल। क्या बात है। और मैंने जब उसको 11 लाख दी थी, एक कंडीशन डाली थी एज अ राइडर। क्या? आई सेड इसके बाद जो भी पिक्चर आप साइन करोगे 15 से कम नहीं करोगे। अयो अयो, हु विल पे 15? आई सेड आई विल गेट यू 15। तो मैंने चांदनी पिक्चर, यस जी वांटेड टू साइन हर, चांदनी 15 लाख की करवाई, गुरुदेव 15 लाख की कराई। तो दे वर हैप्पी, 15-15 में पिक्चर साइन की। तो खैर हमारी पिक्चर लग गई, हिट हो गई जो होगी। तो मैं गया सर कि भाई अगली पिक्चरों के लिए बुनिश फॉर यू 14। आई सेड व्हाई? नो 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 बुनिश, विद यू ओनली 14। आई सेड नो, आई विल पे 16। व्हाई? तो बट आई सेड वन कंडीशन, नेक्स्ट पिक्चर 25। बोनी जी 25 हु विल गिव? ये अमिताभ बच्चन। आई डोंट नो, यू विल गेट 25। तो खुदा गवाह में श्री को 25 मिले थे। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, और द रीजन व्हाई आई पुट दिस राइडर वाज सो दैट द मदर डज नॉट साइन एनी रिफरेफ पिक्चर्स। भाई मेरे घर पे तो हीरो फ्री आता था, अनिल को जो दे दूं ले लेगा वो। अच्छा, शेखर भी 50-75 हजार में था मिस्टर इंडिया में, और सतीश कौशिक मंथली था रूप की रानी में। तो भाई उसने 14 की जगह में 16 भी दे दिए, तो क्या फर्क पड़ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि भैया ठीक है, 2 दिन की शूटिंग कम होगी पिक्चर में या ज्यादा हो जाएगी। जो भी धोनी सर ने फिल्में बनाई बड़ी दिल से बनाई है, इसीलिए दिल में बसी हुई सर आज तक आपकी फिल्म। बिल्कुल, और रहेगी, सदा रहेगी। क्या बात है सर, हमेशा रहेगी। बट बोनी, क्या तुम अग्री करते हो कि अब वैसी फिल्में उस स्केल पर और इस तहजीब और परंपरा से अलग बनती हैं? आजकल प्रोजेक्ट बनने लगे हैं ना। एक्चुअली सर, जिस तरीके से, जिस दिल से आप बनाते हो, आजकल तो पेपर भी लेके बैठते हैं, इतने के राइट्स बिक जाएंगे, इतने का म्यूजिक, इतना इतना अंदर आ गया बस। मैं तो उसी तरह बनाता हूँ पिक्चर जैसे पहले बनाता था। ऐसे ही बनाइए सर, वाह, मजा आ जाता है। ये जो फिल्में नहीं चल रही हैं, सी साउथ की फिल्में क्यों चल रही हैं, क्योंकि अभी भी उधर के लोगों में पैशन वही है जो इधर बॉम्बे के फिल्म प्रोड्यूसर्स का, मेकर्स का था 90s तक। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। 90s तक जो पैशन था ना, वही वही कमर्शियल पिक्चरें बन रही है। वही मतलब वहाँ पे सीन भी जब लिखा जाता है तो डायरेक्टर बोलता है यहाँ पे मुझे ताली चाहिए, यहाँ पे मुझे रुलाना है, यहाँ पे मुझे सीटी चाहिए। जो यहाँ पे भी होता था, मनमोहन जैसे ऐसे ही बनाता था एक्चुअली। अच्छा। प्रकाश मेरा ऐसे ही बनाता था, और कई ऐसे फिल्म मेकर थे जिनके थॉट में होता था भैया ये गाने में सीटी बजनी चाहिए। हाँ। ये गाने में ऐसा खई के बांध बनारस वाला, पिक्चर खत्म होने के बाद गाना ऐड किया गया, शूट किया गया। हाँ। क्योंकि उनको गाना चाहिए था उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर उनको लगा थोड़ी ठहर गई है। अच्छा। तो उन्होंने गाना बाद में, पिक्चर पूरी खत्म करने के बाद गाना डाला गया था वो। तो गाने का इतना मतलब था, अभी तो क्या यार गाने की जरूरत ही नहीं है यार, हमारे कंटेंट में इतना पावर है, कंटेंट में पावर है, कुछ पावर नहीं। बट अभी क्या ना, देखो जैसे साउथ के प्रोड्यूसर्स का थॉट ये था कि हम लोग पैन इंडिया को कॉन्कर करें, हमारे इधर के जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर स्पेशली, कि हम वर्ल्ड को कॉन्कर करें, पहले हिंदुस्तान तो कॉन्कर करो। क्यों सब लोग लुक पे जा रहे हैं, सब लोग इस पे जा रहे हैं, कुछ नुआंसेस होने जा रहे हैं। नुआंसेस के भाई हमारे यहाँ पे खड़ी बोली चलती है। वो मतलब होता ना कि यू गॉट टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड टू सी दैट व्हाट आर पीपल वॉन्ट, रादर देन गिव देम अ फिल्म विच प्रोबेबली टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। कि यार मैंने ऐसे जो पिक्चर, ये थॉट मेरा ऐसा है,
थॉट तुम्हारे दिमाग में ही है, पब्लिक तक पहुंचता नहीं है, पहुंच ही नहीं। तो थॉट वो होना चाहिए जो पब्लिक तक पहुंचे, ना कि भाई हम ऑस्कर के लिए जा रहे हैं, भैया साहब हमारे डायरेक्टर ऑस्कर एम कर रहे हैं या ये कैन फिल्म फेस्टिवल हमारी पिक्चर जानी चाहिए। अरे भैया कैन से पहले नदियां पार करने के पहले इधर का सोचो। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है बोली सर आपने। सो ट्रू। जब दूसरा कई ऐसे आजकल हीरो भी सेलेक्ट ऐसी पिक्चर करते हैं जिसमें उसको 25-30 दिन का काम और पैसे पूरे मिल जाए। तो इंटेंशन ही राइट फ्रॉम द बिगनिंग इज रॉन्ग। आई डोंट वांट टू नेम द एक्टर्स बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू एक्टर्स, वो सब नाप तोल के मतलब होते हैं यार कितने दिन का काम है मेरा। अरे यार इसीलिए उनका पूरा सेटअप होता है कन्वीनियंट, हीरोइन अवेलेबल होनी चाहिए, डायरेक्टर अवेलेबल होना चाहिए, तो पिक्चर कहाँ अच्छी बनेगी। यू नो फर्स्ट मोमेंट योर थॉट प्रोसेस इज डिसऑनेस्ट, जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी ना, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, पिक्चरें नहीं चलेंगी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ पिक्चर्स हैं जानवी जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं जी। तो नीचे हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव है, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। आइए आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, दिखाइए जरा। ये जानवी ने पोस्ट किया है पिक्चर, आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स। डेजर्ट इन द डेजर्ट, मुझे आज तक नहीं समझ लगा ये दोनों शब्दों में फर्क क्या है। डेजर्ट हो गया रेगिस्तान ना। हाँ, हाँ, डेजर्ट हो गया मीठा। हाँ, मीठा ही ठीक है। रेगिस्तान में मीठा, यानी कि मैं। ओके, दिखाइए नीचे कमेंट्स। मेरा दोस्त ऑटो चलाता है, उसको पूरी सीट दे दो तो भी वो आपकी तरह साइड में ही बैठता है। आप गाड़ी में बैठी कितनी अच्छी लग रही है, मेरी बीवी गाड़ी पे बैठती है तो उसे पलटा देती है। अच्छा उसको रिप्लाई किया किसी ने, मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करी है, कृपया स्कूटर को गाड़ी ना बोले। और दिखाइए। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम के मालिक का कजन हूँ। अच्छा। जिसको भी अपने अकाउंट पे ब्लू टिक चाहिए वो मेरे अकाउंट में 5,000 पे ट्रांसफर करे, जानवी कपूर के अकाउंट पे भी मैंने ही ब्लू टिक लगवाया। ओह माय गॉड। अच्छा ये नए लोग आए हैं, नहीं तो नॉर्मली वो आते होते हैं ग्रह क्लेश ये वो सारे भी आते हैं ना नीचे। और दिखाइए। ओह बोनी क्या बात है, स्पेक्टेकुलर हॉलीवुड बाउल। चलिए जी बोनी सर ने ये फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सर ये हॉलीवुड बाउल का नहीं वाइट बाउल का इशारा है। ये हॉलीवुड की हीरोइन को बता रहे हैं हमारा कल्चर अब बदल गया है, हाथ नहीं जोड़ते सीधे जफला क्या होता है जफला जफी। सर आपके हाथ के पीछे मेरा मुंह छुप गया, पीछे मैं भी था। किसी ने उसको रिप्लाई किया, तेरा तो मुंह ही छुपा है, उनके पेट के पीछे हमारा पूरा परिवार छुप गया। और दिखाइए। अरे मैं कभी देखता ही नहीं हुए तो। सर बड़े मजेदार आते हैं। मैं सो फार ये जानवी ने पिक्चर डाला है, आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। आपने तो एसी के नीचे गद्दा रखा है, हमारा तो इतना लीक करता है बाल्टी रखनी पड़ती है। रिप्लाई भी आया, बाल्टी से कमरे की शोभा खराब होती है, आप एसी को डायपर भी पहना सकते हैं। वाह ये तो एक विचित्र तस्वीर है, 4 महिलाएं एक साथ वो भी चुप। रिप्लाई भी आया, वो तो मास्क लगाया है इसलिए चुप है, वरना मेहंदी लगाने वाली बहुत बोलती है। और दिखाइए। धोनी सर ने फोटो डाला, यस ऑलवेज माय फेवरेट ब्लूज, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है निक्कर वाला भी एक्टर है इसलिए हाथ प्रोड्यूसर की जेब की तरफ है। सर ये टोपी आपकी ही है या बाजू वाले पुतले से मारी है। सर आपके जूते शुरू से नीले थे या इन पे पेंट का डिब्बा गिर गया था। इस पुतले के कंधे पे इतने बड़े प्रोड्यूसर का हाथ है, अब ये भी बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। क्या बात है। और दिखाइए। जानवी ने फोटो डाला है, कोई कैप्शन नहीं है, दिखाइए नीचे। वेरी गुड, महंगी ड्रेस पहन के ही सुखानी चाहिए, चोरी होने का खतरा रहता है। जानवी जी आपके बगल वाले पत्थर पे मैंने अपना और गर्लफ्रेंड का नाम लिखा था, राकेश और प्रीति, प्रीति हटा के रेनू लिख दो, प्रीति की शादी हो गई है। और दिखाइए। लगता है ये पोज के बहाने अपनी पीठ खुजा रही हैं। और दिखाइए। बोनी सर ने फोटो डाला, कास्ट एंड क्रू ऑफ माय फिल्म मॉम एंजॉयिंग 7-course hot meal in snow during lunch break in Georgia। हाँ
वाओ कमेंट्स देखते हैं सर ये 7-course meal खाने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है ये बातें करने के बहाने साथ में प्लेट भी गिन रहे हैं बोनी जी सबको बता रहे हैं कि मेन्यू में चेंज है तंदूर में बर्फ पड़ गई सिर्फ तवा रोटी मिलेगी और आगे दिखाइए खत्म नाइस लेडीज एंड जेंटलमैन ब्रिटेन की पावन धरती से जिसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक का राज्य से प्रिंसों के प्रिंस अच्छा यादव क्या बात है क्या बात है बहुत अच्छे लगे और तुम भी ब्रो बहुत अच्छे किए बहुत अच्छा अंग्रेजी बोले इसी तरह अंग्रेजी बोलते रहो एक दिन मैं तुमको लंदन जरूर लेके जाएंगे ये लंदन का नहीं है ये भांडुप का है चलो जाके जल्दी लाल कपड़ा उतारो नहीं तो कुत्ता पीछे पड़ जाएगी जाओ 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 ऑलराइट ये वेल दैट्स बोनी कपूर इन द हाउस जानवी कपूर इन द हाउस अक्षय यादव इन द हाउस और मेरा प्यारा दोस्त है दल दल पानी कैसे चल रहे हैं नहीं कभी किसी को बोलना नहीं तुम्हारा धंधा पानी बढ़िया चल रहे हैं क्यों लोग उधार लेने आ जाते हैं फिर लौटाते नहीं है मेरे को भी अभी 3 लोग का उधार देना बाकी है Let me introduce myself, sir. Sir, I'm from London. मेरा नाम अच्छा यादव है जबकि मेरा roots इधर का है तो basically MRI हुआ NRI. नहीं नहीं NRI तो मैं बहुत पहले हो गया था परसों मेरा MRI हुआ I'm just informing. क्या है कि मेरा इधर मेरा किडनी जो है ना उसमें वो मिला है वो ब्रो ट्रेन किस पे चलता है पटरी मिला है वैसे आप लोगों से मिलकर मेरे को बहुत जानवी हुई है खुशी खुशी होता है वो तो आई नहीं ना आपकी बहन मैम खुशी आई होती तो मैं बोलते बहुत खुशी हुए लेकिन वैसे मुझे बहुत जानवी हुए आप तो फिल्म आ रहे हैं मिली Oh, I love it. लेकिन ये फिल्म में अगर आपका कोई फ्रेंड जूली होते और आप साथ में सरकार बनाते तो ये मिली जूली सरकार होते लेकिन सर आप बॉलीवुड को इतना कमाल कमाल का फिल्म दिया है पूरा का पूरा बॉलीवुड हमेशा आपका विजय मल्या रहेगा मतलब मतलब अरुस्दार रहेगा सर मैं ऐसा जोक्स बनाते रहते हैं जोक्स और एसिडिटी तो इसके पैसे बनती है उस दिन इसको सांप ने काटा इसको जहर नहीं चढ़ा सांप को इसकी चर्बी चढ़ गई ये बात सच है मेरे को सांप ने डस दिया था मैंने उसको 20 दे दिया लेकिन जानवी जी आपके पहला फिल्म कड़क थी ना धड़क नहीं नहीं वो थी लेकिन फिल्म कितनी कड़क थी फिल्म धड़क थी लेकिन कड़क थी मैं आपका बहुत बड़ा फैन है सिर्फ फैन बोलना बड़ा तो दिख रहा है ब्रो आप गोवा क्यों नहीं चले जाते हैं क्यों क्योंकि आपको बीच में बोलने का इतना शौक है बोली जी आप कितने स्वीट है मैं आपका बातचीत थोड़ा इधर सुन रहे थे मेरा पापा वो भी बहुत ही सीधे इंसान थे अच्छा एक बार एक आदमी ऐसा मेरे पापा को बंदूक दिखा के उनका सारा पैसा ले गए ऐसे तो कोई भी ले जाएगा नहीं नहीं पैसा जिस दिन लेके गए उसके 3 दिन बाद बंदूक दिखाया था इसकी वजह से मेरे पापा को बहुत वो भी हुआ वो और जस्टिन बीबर माइक लेके क्या करता है गाता है बहुत घाटा हुआ मेरे पापा को बहुत घाटा हुआ माइक ड्रॉप इसका वजह से हम लोग बहुत पुअर हो गए थे थोड़ा टाइम के लिए वी वर रियली पुअर सो हम लोग को कुछ बिजनेस करने थे तो मैं उसका बिजनेस खोले वो ये बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं तबला हाँ भैंसों का तबला खोले तबेला तबेला भैंसों का तबेला खोले लेकिन मेरा बदकिस्मती देखिए पता नहीं वो भैंस लोग मेरे से क्यों नाराज थे वो लोग दूध ही नहीं दिए तो नाराज होंगी बोल रही चारा हम सब खाते हैं आप भी खाते हो दूध वो अकेली क्यों दे
ब्रो कोविड के बाद सब लोग सीरियस हो गए हैं, आप अभी भी फनी के फनी हैं। ये जगह हंसी मजाक का नहीं है ब्रो। अच्छा एनीवेज मैं सोच रहे थे सर, हमारा बिजनेस जो है खानदान का, हमारा फैमिली का, इतना वर्क नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा पार्टनरशिप में मेरे साथ आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तुझे क्यों लगता है तुझे पार्टनर बनाएंगे? भाई लगता तो किसी को ये भी नहीं था कि इंडियन ओरिजिन का आदमी यूके का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कुछ भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो ये पार्टनरशिप को सर मैं हाँ समझू कि ना समझू? ना, विद तीन मुक्के चार थप्पड़ तीन डंडे। काफी अग्रेसिव भी ना बोले यार। हाँ, मैं उनका मैनेजर हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ रहे हैं। मैं इसको ना ही मान रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बिजनेस नहीं करे तो क्या हुआ। लेकिन जानवी जी, मैं बोलना चाहेंगे कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाए है। मैं पेश करेगी सरप्राइज, आप थोड़ा इधर आ सकते हैं जी। इधर जरा सा काली, इधर आ जाइए। एक प्यारा सा सरप्राइज है। चलिए अब मैं चलता है, क्या मेरा लंदन पे 3 महीने के बाद मीटिंग भी है। एक 3 महीने बाद मीटिंग है तो अभी क्यों जा रहा फिर? नहीं मैं आपको बताया ना, मैं चलता है, मैं प्लेन में नहीं जाता, मैं ट्रेन में नहीं जाता, मैं चलता है। 3 महीना तो लगेगा ना पहुंचने के लिए लंदन में। एनीवेज थैंक यू, ऑलराइट, थैंक यू ब्रो, सी यू सर, आई विल सी यू। जानवी, हमारे शो में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्स आते हैं उनके फैंस जो होते हैं उनसे हम लोग रूबरू करवाते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपका जो मन हो आप जानवी जी से, बोनी सर से, आप अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जी सर। हेलो एवरीवन। सर हेलो, वेलकम। कपिल जी, हम आपके और आपके शो के बहुत बड़े फैन हैं। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया, थैंक यू। और बोनी जी, आपने बहुत बहुत अच्छी फिल्में दी हैं हमारे को। और जानवी जी, आपसे एक सवाल है जी। आपकी मम्मी की हमने तकरीबन सारी फिल्में देखी हैं और सारी फिल्में बहुत अच्छी थी, मेरे को तो सब फिल्में अच्छी लगती हैं, आपको अपनी मम्मी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है? मैं 3 बोल सकती हूँ? हाँ जी जरूर बोल दी। इंग्लिश विंग्लिश, मिस्टर इंडिया और सदमा। ओ सदमा, वाओ। एक्चुअली अगर बात श्रीदेवी जी की जाए तो आई थिंक 3 भी कम बोला आपने जी, क्योंकि तो एक्चुअली हर फिल्म में वैसे तो हर फिल्म ही उनकी सबसे अच्छी फिल्म ही थी, लेकिन उनकी बेटी के लिहाज से मैंने पूछा कि उनको कौन सी सबसे अच्छी फिल्म। शुक्रिया पाजी, शुक्रिया। कहाँ से आए आप? हम बॉम्बे से ही हैं जी। अच्छा, बॉम्बे, मेरा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, एक तो स्कूल बंक करके आए, ऊपर से सवाल पूछना है आपको। हेलो एवरीवन। हेलो कपिल से, मेरा जानवी जी से सवाल था। हाँ जी जी, मुझे पता है मेरे से क्यों पूछोगे आप। जानवी जैसा अवसर होता है कि जब घर पे दोस्त लोग आते हैं तो मम्मी पापा बार बार आपकी टांग खींच लेते हैं, तो जैसे कि मेरी गंदी आदत है कि मैं 4-5 दिन नहाता नहीं, तो पापा दोस्त लोग से बोलते हैं कि देख तू तो नहाता है, ये देख 4-5 दिन से ऐसा ही बैठा रहता है, जबकि 4-5 दिन होते भी नहीं, 3 ही हुए रहते। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मैं इनफैक्ट पापा के बारे में मेरे दोस्तों से कंप्लेन करती हूँ, है ना। नहीं तो ये यहाँ कपिल शर्मा के शो पे आके टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं बंद करती है, सबको नेशनल टेलीविजन पे बोल देता है। तो विघ्नेश, नहाने में क्या विघ्न पड़ता है जो आप नहाते नहीं है? इतना टाइम बर्बाद करने को नहीं है ना, खेल टाइम बर्बाद, टाइम बर्बाद लगता है। अच्छा मतलब क्यों, कितना टाइम लगता है नहाने में? वो 15 मिनट में मैं कुछ और कर लूंगा। क्या और क्या कर सकते हैं आप, मतलब इंसान को अपने आप को साफ रखना चाहिए ना। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है आपको ऐसे ये सब सुनके। ऐसी कौन सी चीज आपकी इन्वेंशन खोज कर रहे हैं आपको लगता है कि टाइम बहुत जरूरी है, नहाना नहीं है, ब्रह्मांड के लिए कुछ करना है? ऐसा मानना जो नेचुरल सुगंध है वो बेस्ट है। वो पहले पहले नेचुरल होती है जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद अननेचुरल होती है। पर आप बड़े क्यूट हैं। शुक्रिया विघ्नेश, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो बोनी सर। हेलो जानवी मैम। हेलो अर्चना मैम। हाय मैम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू, आई एम योर फैन। थैंक यू। एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन, लाइक बचपन में ऐसा होता है यूजुअली पेरेंट्स सिबलिंग्स में पैम्परिंग का सब करते हैं, तो आप में और खुशी मैम में सबसे ज्यादा पैम्परिंग किसको की जाती है? यूजुअली छोटे बच्चे को करते हैं। हाँ। तो आप में भी वैसा ही था? जी 100%। पापा अभी तक खुशी को सबसे ज्यादा पैम्पर करते हैं। इनफैक्ट शर्माते नहीं ये कहने से कि खुशी फेवरेट है। नहीं, चारों बच्चे मेरे फेवरेट हैं।
अर्जुन भी मेरा खास है, जानवी भी मेरी खास है, अंशुला भी खास है, खुशी थोड़ी ज्यादा खास है। छोटा बच्चा यूजुअली खास ही होते हैं, बिकॉज मैं भी छोटी हूँ सबसे घर में, इसलिए क्या बात है। क्या नाम है? आपने नाम नहीं बताया अपना। पायल गांधी। पायल, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। और ये आपके दो सीट छोड़ के जो सर बैठे हुए हैं, इनको माइक दे दीजिए जरा। सर, आपका पर्स वगैरह गुम हो गया, कितने दुखी क्यों बैठे हुए हैं आप? आप इतने सैड क्यों बैठे हुए, क्या हो गया? सीट गीली है आपकी या जो भी है, आप खुल के बताएं हमें कुछ। स्वागत है। थैंक यू, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। थैंक यू। ओह माय गॉड, सो मच इंग्लिश ब्रो। क्या करते हैं सर आप? आई मीन रेलवेज। आपका सरनेम कपूर है? My surname is Arora. Arora? चलिए, नजदीक पंजाबी है ना? हाँ जी, पंजाबी है जी, बिल्कुल। कैसे रेलगाड़ियाँ ठीक चल रही हैं? बढ़िया चल रही है जी, बढ़िया चल रही है। ठीक, शुक्रिया, शुक्रिया। तो जैसे आप सबने मिली का ट्रेलर देखा है, जैसे जानवी जो है एक कोल्ड स्टोरेज में फंस जाती हैं और उसके बाद क्या होता है ये आप फिल्म में देखेंगे। मैं आप लोगों के किस्से जानना चाहता हूँ कि अगर कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हों जहाँ पे आप एम्बेरस हो गए हों या डर गए हों, कोई भी आपका किस्सा हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। एक्चुअली जैसे जानवी जी की वो अपनी फिल्म में कोल्ड स्टोरेज में फंस जाते हैं, तो ये देख के मुझे मेरा एक स्कूल का किस्सा याद आया। क्या? एक्चुअली स्कूल में एक साइंस फैक्ट पढ़ा था कि अगर कोई फ्रीज मेटल को अगर सेंसिटिव स्किन टच करे या टंग लगाओ तो चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते, तो मैं फ्रीजर के पास गया, फ्रीजर खोला, उसमें एक बॉल था, उसमें आइस जमी हुई थी, तो मैंने निकाला, टच किया, तो टच करने से तो नहीं हुआ, बट जैसे मैंने टंग लगाई सर वो जो चिपकी है अम्मा। तो निकली तो नहीं, वो वैसे ट्राई बहुत किया नहीं निकली, तो उसी सिचुएशन में मैं ऐसे लेके मम्मी के पास गया, मम्मी ने बोला क्या किया ये, इसको कैसे निकाले, मम्मी ने और जुबान पे थप्पड़ मार दिया। ऐसे काम करते हो तुम लोग। फिर क्या किया? गर्म पानी उस पर डाला, फिर जाके वो जो निकली है। फिर जो हुआ। अच्छा, लोग कईयों को आदत होती है किसी काम में उंगली करना, आप जुबान कर रहे थे उसमें। पर ये बड़ा खतरनाक होता है, छूटता नहीं ऐसे। हाँ सर, छूटता नहीं। कितनी उम्र थी आपकी उस समय? सर ऑलमोस्ट स्कूल में मिड साइंस पढ़ रहा था, 9th स्टैंडर्ड। ये साइंस पढ़ रहे थे, आपको ये नहीं पता था कि ये होगा। आपने नाम नहीं बताया अपना। परवीज खुराना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए, शुक्रिया खुराना साहब शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। नमस्कार। हेलो एवरीवन। मेरी शादी हुई और मैं ससुराल गया, मेरा ससुराल ग्रामीण क्षेत्र में था, छोटे गांव में। अच्छा, शौचालय नहीं होते थे घर में। अच्छा जी। तो सुबह सुबह हमारे साले लोग हमारे साथ आते थे, वो लोटा पकड़ते थे, मैं तो दामाद था, सेंसा था। कब की बात है ये? कहाँ, कब की बात है ये? सर 35 साल पहले की, राजस्थान में रानी गांव है। अच्छा जी। हाँ, तो हम जंगल में गए, खेत खलियान में, वहाँ मैं हल्का होने के लिए पोजीशन ले ही रहा था। इतने में मेरे सामने एक सांप दिखा मुझे। हाँ, सांप। मैं एकदम डर गया। मैं डर गया, अभी करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ कटीले झाड़ थे, एक तरफ नाला था, मैं भाग भी नहीं सकता था। हाँ। तो मैंने मेरे साले को आवाज दी, ए रंजीत सांप। तो जैसे ही उसने सांप सुना तो जीजा जी, और खुद लोटा लेकर भाग गया मुझे। अब साहब मेरी हालत पतली हो गई, करूं तो क्या करूं। 10 मिनट तक वो नाक मुझे घूरता रहा और मैं नाक को घूरता रहा, लेकिन फिर परमात्मा का कोई आशीर्वाद मिला, रास्ता साफ हुआ, मैं निकल गया। लेकिन साहब पूरे दिन मेरा पेट इतना टाइट रहा कि पूरे दिन मुझे लगी नहीं। ये भी शुक्र है साहब बिल में नहीं घुस गया। ओ सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित परमार है, मैं मुंबई भाईंदर से आया। परमार साहब, आप इतने फनी हैं और आपने किस्सा इतने मजेदार तरीके से सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद परमार साहब। शुक्रिया। और इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शुभरात्रि, धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।